हे गाइस, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा होगा। और तू ऐसा क्यों बोल रहा है मुन्ना? है भैया, मैं जब भी माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ, आप भैया कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। हे भैया, माहौल बना दीजिए ना। जब भैया माहौल बनता है तब भैया बहुत सी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। और चल ठीक है, बना ले अपना माहौल। अब क्या बनाओ भैया माहौल? आपने तो भैया शुरू में ही बिगाड़ दिया। और कोई बात नहीं, बोल ले। है भैया छोड़िए ना। तो गाइस, जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमने पिछले पार्ट में मैंने और भैया जैक ने अपना एक साइंटिस्ट वाला दिमाग चलाकर एक बहुत बढ़िया मशीन बनाई थी। जो कि गाइस, हम लोगों ने उसके लिए रात भर पढ़ाई की थी और एक हीरो ब्रांड टूल मेकर मशीन बना दी थी। और मुन्ना, इसी बात मुझे एक ऐप का नाम याद आ रहा है। हे भैया, मुझे भी याद आ गया, मैं अभी बताता हूँ। गाइस, डाउट टेक ऐसी ऐप है जिसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मालूम हो तो बस उसकी फोटो क्लिक करना है और सिंपल सा उसको क्रॉप कर लेना, और आपको 5 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन उस क्वेश्चन का मिल जाएगा। और फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क हो, CBSE का हो, UP बिहार महाराष्ट्र, चाहे जिसका भी हो, आपको इसका सवाल डाउट टेक ऐप पे मिल जाएगा। चाहे गाइस IIT मेंस, एडवांस, नीट और 6 to 12th क्लास का भी हो, कोई भी सवाल हो, सब इसका जवाब आपको डाउट टेक ऐप पे मिल जाएगा। और कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, उसका आपको जवाब डाउट टेक ऐप पे मिल जाएगा। साथ ही गाइस, यहाँ पर 9 to 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम की लाइव क्लासेस चल रही है। गाइस, अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर, और 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल करिए। हे भैया, चारों तरफ देखिए कितनी ज्यादा भसड़ मची हुई है ना। ओए मुन्ना, भसड़ तो पिछले पार्ट की वजह से मच गई थी। जो हम लोगों ने 3-3 वेदर को मारा था, वो भी मुन्ना बिना टच किए हुए मारा था। हाँ भैया, हम लोग के पास तो बहुत सारी पावर्स आ गई थी। ये देखिए भैया, मुझे नेदर स्टार भी मिल रहे हैं। ओए, अब इनका क्या करेंगे मुन्ना? ये तो हम लोग चाहे जितने चाहे इस आर्मर की वजह से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि मुन्ना हम लोग को तो वेदर को टच भी नहीं करना पड़ता। वेदर तो जैसे ही हम लोग को मारता है वो खुद ही मर जाता है। हाँ भैया, एक इधर मारा था, ये देखिए भैया, 1 स्टार और मिल गया। और भैया, ड्रैगन की तो कितनी मस्त बैंड बजी थी ना। ओए मुन्ना, ओए ये क्या हो गया? हे भैया, ये क्या हो गया? आग कैसे लग गई? ओ, मुझे भी नहीं समझ में आया मुन्ना, ये क्या था? हे भैया, पता नहीं क्या था। हे भैया, ये देखिए पूरी डेजराइट में कन्वर्ट हो गया ये चीज़ तो। ओ, ये क्या था मुन्ना? समझ नहीं यार, रुक जा, हेलमेट पहनने दे। ओए मुन्ना, कहीं हीरो ब्राइन बदला लेने के लिए तो नहीं आ गया? हे भैया, बदला क्यों लेगा वो? ओए मुन्ना, उसका हमने आर्मर पहना हुआ है। हे भैया, उसका आर्मर हम लोगों ने बनाया है, पहना कहाँ पर है? ओए फिर भी है तो उसका ही आर्मर ना। हाँ भैया, ये भी बात सही है। चलिए भैया, मैं एडवांस आर्मर ले लेता हूँ, क्योंकि भैया आज हम लोग की फाइट एंटिटी से होने वाली है फिर से। ओए मुन्ना, आज फिर से एंटिटी से होगी? हाँ भैया, एंटिटी से आज फाइट तो करनी पड़ेगी, और भैया आज उसे हराना ही पड़ेगा किसी भी तरह से। ओए मुन्ना, एंटिटी आज बचेगा नहीं, क्योंकि आज तो जानता है ना, हमारे पास हीरो ब्रायन का आर्मर है, और हीरो ब्रायन हमेशा एंटिटी 303 से जीत जाता है। हे भैया, मुझे नहीं लगता। ओए जीत जाता है, बहुत से लोग बोल रहे थे। हे गाइस, आपको क्या लगता है, हीरो ब्रायन एंटिटी 303 से जीतेगा कि नहीं? वैसे भैया, मुझे भी लगता है जीत जाना चाहिए, क्योंकि भैया हीरो ब्रायन के पास बहुत सी एडवांस सी पावर रहती हैं। और वही तो बोल रहा हूँ मैं। चल उसको छोड़ते हैं, हम लोग पहले अपने बो को इंचेंट वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना। हाँ भैया, बो को भी इंचेंट कर लेते हैं, नहीं तो भैया वो हवा में उड़ जाएगा, तो उसको कैसे मारेंगे ना। अरे बिल्लो, क्यों हो रहे हो परेशान? वो तुम्हें खुद ही हवा में उड़ा के मारेगा। अच्छा है। ओए, कभी भी हमारे साइड नहीं बोलेगा, हमेशा दुश्मनों की तरह बोलेगा। ओए हे भैया, उसको छोड़िए ना। हम लोग जल्दी जल्दी तैयारियां करते हैं। ओए, अब कौन सी तैयारी करनी हो तो गई इंचेंट। हे भैया, थोड़ा सा सबर करिए ना। तभी तो भैया हम उसको स्पॉन कर पाएंगे, उसका बिना स्टार बनाए कहाँ स्पॉन कर पाएंगे। ओए, तभी तक नहीं बनाया था क्या? हे भैया, आप ही के सामने तो बना रहा हूँ, कैसे बना लूँगा मैं? और फिर जो भी बना रहा हूँ जल्दी बना, क्योंकि मुन्ना आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है, आज तो इंटरटी बचेगा नहीं। हे भैया, कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए। और पासा कैसे उल्टा पड़ेगा, ये हीरो ब्रांड का आर्मर है। हे भैया, कुछ कहा नहीं जा सकता, देखते हैं। ओए मुन्ना, ये 2-2 स्टार क्यों बना लिया तूने? हे भैया, मैंने 2 स्टार बना लिए, क्या पता भैया कहीं ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए भैया मैंने 2 बना लिए, क्योंकि भैया मैं हर एक चीज़ एडवांस करता हूँ। और चल ठीक है, जो भी करना हो जल्दी कर दे मुन्ना, क्योंकि मेरे हाथ में अभी तक खुजली हो रही है, आज वो बचेगा नहीं। हे भैया, इसमें क्यों कूद जाते हैं हर बार? ओए मुन्ना, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे क्या पता था ये जल उठेगा, मुझे तो लगा ये क्या फिर से जल उठा। ये क्या अजीब चीज़ है मुन्ना, ये देख फिर से जलने लगे हम लोग। हे भैया, मुझे लगता है नेदराइट में पैर रखते ही हम लोग जलने लगेंगे। ओए मुझे भी लग रहा है, चल छोड़ते हैं उसको, हम लोग इंटिटी को स्पॉन करते हैं जल्दी से, और उसकी यहाँ से बैंड बजा के जल्दी से निकल लेते हैं। ओए
हे भैया, आराम से सब चीजें करनी चाहिए ना। और भैया एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि भैया जैसे हम लोग एंटिटी को स्पॉन करते हैं वैसे भैया हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ओए भागेंगे क्यों? हे भैया घर तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। नहीं तो भैया उसको मारेंगे कैसे हम लोग? ओए मुन्ना हमारे पास आर्मर है, तू जानता नहीं है क्या? हे भैया अभी तक हम लोगों ने उस आर्मर को ऐसे छोटे मोटे मॉब पर टेस्ट किया है। पता है भैया मुझे ड्रैगन पर भी टेस्ट किया है, लेकिन भैया एंटिटी का कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि भैया एंटिटी के पास इन सबसे भी एडवांस पावर है। ओए वो मुझे पता है, चल ठीक है देख लेंगे, स्ट्रेटजी से मारना है ना। हाँ भैया अब समझ गए आप। थोड़ा सा भैया स्ट्रेटजी का खेल खेलना चाहिए ना। नहीं तो भैया क्या पता स्पॉन होते ही हम लोग को मार दे। और तू ऐसी थिंकिंग क्यों रखता है? थिंकिंग ये रख, आज तो मुन्ना मैं एंटिटी को तोड़ दूंगा और फोड़ भी दूंगा। हाँ भैया वो देखा जाएगा स्पॉन होने के बाद। चलिए भैया मैं एक चीज और लेकर आता हूँ जो कि भैया रेडस्टोन का ब्लॉक था। ओए तू उसको लाना भूल गया था क्या? हाँ भैया भूल गया था। ओए मुन्ना तू एक बार में सारी चीजें ला नहीं सकता था क्या? तुझे पता है तेरे भैया को इस तरह की चीजें में गुस्सा आ जाता है। हाँ भैया मैं क्या करूँ? वो तो मुझे बता देता ना, पता नहीं हर बार जाता रहता है। अब जल्दी से उसको स्पॉन भी करेगा। हाँ भैया चलिए मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। हे भैया आप जितना एंटिटी को कम समझ रहे हैं, आप तो जानते ना उसकी पावर। वो तुम्हारे पास आर्मर भी तो है ना। ए भैया कितनी बार बोलूँ किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए। रुक जाइए भैया मैं इंचेंटेड टेम्पल खा लूँ जल्दी से ताकि भैया एडवांस पावर हम लोग को मिल जाए। चलिए भैया तैयार हो जाइए। ओए एकदम एवर रेडी है भैया, स्पॉन हो गया। पीछे हटिए थोड़ा सा। ओए रुक जा पीछे हटता हूँ। ओए ये क्या हो गया मुन्ना? हे भैया आप ले लीजिए। मैंने पहले ही बोला था भैया वो डेंजर है। ए भैया आप बिना ओए मुन्ना उसने तो पीछे मुड़ने का मौका भी नहीं दिया, मार दिया। आप ले लीजिए भैया आर्मर। ये आर्मर तो घटिया टाइप का निकला है। नहीं भैया आर्मर नहीं घटिया था, हम लोग की भैया स्ट्रेटेजी घटिया थी। हम लोग को भैया एकदम दिमाग से मारना चाहिए था। और दिमाग से उसमें क्या मारेंगे, पीछे जैसे मुड़े वो उसने मार दिया हम लोग को। नहीं भैया रुक जाइए। भैया क्या बाहर ही है क्या ये लोग? और बाहर तो अभी कोई नहीं दिख रहा है। चलिए भैया चलते हैं उसकी ओर और भैया अपना आर्मर वगैरह लेकर आते हैं। चलिए देखिए भैया मैंने एकदम दिमाग का काम किया था और एक आर्मर एडवांस रख लिया था। और चला कहाँ गया एंटिटी? ओए एंटिटी कहाँ चला गया? सामान तो हम लोग का ये है रहा मुन्ना। हाँ भैया चलिए सामान लेते हैं जल्दी जल्दी, जो कि भैया फायदे का काम है। चलिए भैया कम से कम हम लोग को अपना सामान तो मिल गया, जो कि भैया मुझे तो लगा इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि भैया वो बाहर ही खड़ा रहता है और भैया वो देखते ही अटैक कर देता है। चलिए भैया हम लोग को एंचेंटेड टेम्पल भी मिल गया और हम लोग की भैया वो है क्या? ओए वो कहाँ चली गई? मुझे क्या पता वो कहाँ है, लेकिन भैया उससे भी बड़ी बात एंटिटी कहाँ है? ओए एंटिटी इसके अंदर तो नहीं चला गया गड्ढे के? नहीं भैया भैया इसके ऊपर क्यों चढ़े जाते हैं? कहाँ चला गया भैया एंटिटी? है भैया वो रहा एंटिटी, वो देखिए सामने। और रुक जा वो निकालने दे, ये क्या वो तो है ही नहीं है। हे भैया मतलब वो तो वहीं पर अभी ड्रॉप्ड है। चलिए भैया उसको भी जल्दी से लेकर आते हैं। कहाँ गई वो? ये तो नहीं रही। हे भैया ये रही भैया, इसको ले लीजिए। ओ ले लिया, अब बताता हूँ। ओ ये हड्डी कहाँ से आ गया? मर भी गया। ओए मुन्ना आर्मर तो एकदम अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन ये एंटिटी के ऊपर काम क्यों नहीं किया? हे भैया यही तो मुझे भी नहीं पता। चलिए भैया देखते हैं और इसकी बैंड बनाने की कोशिश करते हैं। मारिए भैया लगाइए निशाना। ओ ये लगा जैक का निशाना। ओ ये क्या इतने सारे कैसे हो गए? हे भैया फिर से भागे, ये तो भैया बहुत ज्यादा ही थे। ओ इसने क्लोन्स कहाँ से बना लिए इतने ज्यादा? पता नहीं भैया ये तो बहुत। ए भैया ये क्या? और फिर से मर गए, मेरा तो दिमाग ही आउट हो जा रहा है। भैया ये देखिए कौन मार रहा है, कौन मार रहा है सामने? तो रुक जा थोड़ा सा आर्मर लेने दे मुझे और अपनी तलवार हाथ में पकड़ने दे। वो रहा मुन्ना। ओ ये क्या इतने सारे है? भैया पीछे हटिए। ओए पीछे नहीं हटेगा अब जैक, ओए अब हटना ही पड़ेगा लग रहा है। वाह क्या बात है, भाग मिले भाग, अच्छा है। ओए मुन्ना भागू नहीं, इसने ऐसा बोल दिया है। भैया उसके कहे में मत पड़िए। आप भैया चलिए घर में चलिए, फिर कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं जल्दी से। तभी भैया बाहर निकलेगा। ए भैया ये कहाँ से हो गया? ओए मुन्ना ये नेदरराइट कहाँ से निकल आती है? फिर से मार दिया, दिमाग ही मेरा खराब हो रहा है। ए भैया ये दरवाजे को बंद कीजिए। ओए बंद कर दिया। ओए अब हमारे पास आर्मर है क्या मुन्ना? ए भैया सब आपकी गलती से। ओए अब मेरी क्या गलती है? हे भैया रुक जाइए, चलिए छोड़िए ना, मैंने लाइटर ले लिया। भैया चलिए यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भैया यहाँ से निकलना ही सही रहेगा अभी के लिए। ओए मुन्ना हम लोग भाग रहे हैं। हाँ भैया आप कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास आर्मर भी नहीं है। क्या है भैया हमारे पास?
ओए मुन्ना, तू फौजी का भाई है, तू भागने नहीं दूंगा तुझे। हे भैया, तो कर क्या सकते हैं। ओए मुन्ना, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, तू ही कहता है ना। हाँ भैया, होती तो नहीं है। हे भैया, अब तो मैं भी कॉन्फिडेंस से भर चुका हूँ। चलिए भैया, बजाते हैं इनकी बैंड। तो वही तो बोल रहा हूँ, तो गजब दरवाजे खोल लेते हैं। ओए बाहर ही लग रहा है। हाँ भैया, ये तो बाहर ही है। और भैया, इतने सारे इसके क्लोन कहाँ से आ गए। ओए मुझे क्या पता, और सबके पास मुझे लग रहा बराबर पावर है। नहीं भैया, भैया ये क्या, ये तो दरवाजे में खड़ा था। ओए इसको अंदर आने देते, इसकी बैंड बजाते हैं। ओए एक एक कर कराओ तो सबकी बैंड बजा देंगे। हे भैया, अंदर मत आने दीजिए उसको। नहीं तो भैया। वाह क्या बात है, अंदर आ ही गए और आ गए बिल्ले। अच्छा है, अब बजेगी बिल्लो की बैंड। ओए नहीं छोड़ूंगा, ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ओए ये क्या हो गया, मही टूट गया। हे भैया, मैंने बोला था दरवाजा बंद कीजिए भैया। ओए ये चेस्ट कैसे खुल जा रहा है, फिर से मारने लगे। रोक, ओए ये क्या, मौका ही नहीं दिए। और छोड़ूंगा नहीं, बहुत हो गया तुम लोग का। ओए ये दरवाजा मुन्ना बंद कर जल्दी से। हे भैया, बंद करने का फायदा क्या है। ओए मुन्ना, ये तो यही पर है, रुक जा, दरवाजा बंद कर रहे थे। अब आ जा, तुम लोग की एक एक कर बैठ बजाऊंगा। हे निकल जाओ ना हमारे घर से। निकाल ले घर से बिल्ले। अच्छा है, तेरी ही बैंड बच जाएगी। हे भैया, मारिए ना इनको, क्या कर रहे हैं। ओए मारी तो रहा हूँ मुन्ना। हे भैया, मेरा दिमाग आउट हो रहा है। अब भैया इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। ओए क्या हो गया मुन्ना। हे भैया, क्रिएटिव हो गया। हे भैया, इनकी तादाद तो देखिए। ओ ये क्या, इतने सारे कहाँ से आ गए, हम लोगों ने तो एक ही स्पॉन किया था। हे भैया, मैंने बोला था ना ये एंटिटी की पावर है। चलिए भैया, एक आर्मर जल्दी से निकालते हैं ताकि भैया कुछ तो एडवांटेज मिल जाए। ओए लेकिन मुन्ना, इनमें से असली कौन है, मुझे क्या पता भैया। मुझे तो लगता है सभी असली है, क्योंकि भैया इनकी पावर देख रहे थे ना। ओए मुन्ना, शायद तूने एक चीज नहीं नोटिस की, एंटिटी के बाद बहुत सारी पावर है, और मुझे लगता है ये उनके क्लोन्स है। हाँ भैया, लेकिन इनके क्लोन्स भी तो बहुत पावर है ना। इनको कैसे हराएंगे। और रुक जा, मेरे पास एक आइडिया है ना, अब उड़ोगे तुम लोग। और रुक जा, चारों तरफ मुन्ना TNT लगा दे, और मेरा कमाल देख तू। हे भैया, आप तो धमाका करने वाले हैं। ओए बहुत दिमाग खराब कर रहे थे ना, आप मरोगे। लेकिन भैया, असली वाला कहाँ है। ओए असली वाला भी मिल जाएगा, टेंशन मत ले, पहले इन्हें फूटने दे। ये फूट गए, मर गए क्या। हाँ भैया, कुछ तो मर गए। ए भैया ये क्या, इधर साइड भी इतने सारे। कैसे मारेंगे भैया। ओए मुन्ना, असली की हेल्थ तो आ रही है इधर, लेकिन है कहाँ, कौन है हेल्थ। ओए तू है क्या असली, निकल ले। नहीं भैया ये नहीं है। ओए ये तो है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओए असली कहाँ है, उसको बुलाओ। ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। हे भैया, हम लोग कब तक ऐसे मारेंगे। ओए जब तक असली नहीं मिल जाएगा, आप कर भी क्या सकते हैं। हाँ भैया, मुझे भी लग रहा है, लेकिन भैया मेरे पास एक आइडिया और है। ओए कौन सा आइडिया, क्यों ना भैया हम लोग सर्वाइवल में हो जाएं। शायद भैया असली वाला निकल कर बाहर आ जाए। ओए तू पागल हो गया क्या, हम लोग ये ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सर्वाइवल में क्या छोड़ेंगे। लेकिन भैया, हम लोग असली को ढूंढने के लिए सर्वाइवल में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया हम लोग कब तक इन्हें मारेंगे। ओए यही है क्या असली, रुक जा, ये भी नहीं है। ओए मुन्ना, बिजलियाँ कड़क रही हैं, लेकिन असली वाला नहीं दिख रहा। हे भैया, मेरा आप आइडिया मानिए, हम लोग सर्वाइवल में होते हैं और इनकी ऐसे ही बैंड बजाते हैं, असली वाला भैया खुद ही बाहर निकल आएगा। ओए लेकिन मुन्ना, असली वाला भी तो बैंड बजा सकता है ना। लेकिन भैया, हम लोगों को दिमाग से काम लेना पड़ेगा। चलिए भैया, सर्वाइवल में होना ही पड़ेगा, कब तक भैया ऐसे मारेंगे। ओए मुन्ना, बात तूने बिल्कुल सही कही, हम लोग क्रिएटिव में ऐसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे, और ढूंढ भी लेते हैं तो गलत माना जाएगा ना। हाँ भैया, वही तो मैं बोल रहा हूँ। और रुक जा, शायद एक बार और सर्च कर लूँ, कोई तो मिल जाए। हे भैया, आप ऐसे कब तक सर्च करते रहेंगे। रुकिए भैया, मुझे हेलमेट पहने दीजिए, और सर्वाइवल में आते हैं और इन सब की बैंड बजाते हैं। भैया आप इतना भैया डर क्यों रहे हैं। ओए मुन्ना, तेरा भैया डरता है क्या, चल हो जा सर्वाइवल में जल्दी से। हाँ भैया, ये हो ना बात। चलिए भैया, अब लड़ते हैं एकदम अच्छे फाइटर की तरह। ओए मुन्ना, तूने तो मेरे पर कॉन्फिडेंस बढ़ दिया। ओए कौन है पीछे, ओए ये खुद ही मर गया। हाँ भैया, अब ये लोग खुद ही मरेंगे। अब भैया असली वाला जल्दी निकल कर आएगा। ओए आ जाओ नमूनो, अब लोग तुम खुद ही मरोगे, कहाँ जा रहे हो। हे भैया, ये मकड़ी परेशान कर रही है, इसको मारिए पहले। ओए मकड़ी अपने आप ही मर जाएगी, ये क्या, ये तो खुद ही मरेगा। हाँ भैया, इनसे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। इतना तो भैया ये आर्मर काम ही कर देगा। और भैया ये आर्मर काम का है। बस भैया इसको इस्तेमाल करना अच्छे से आना चाहिए। ओए आ जाओ नमूनो, असली वाला ओए मकड़ी निकल ले, पता नहीं नमूने भी आते रहते हैं। ओए जाके अपने मकड़े को बुला, वैसे भी तू नहीं जीत पाएगी, चाहे मकड़े को बुला चाहे मकड़ी आ जाए। ओए कहाँ चला गया असली, ओए ये रहा मुन्ना। हाँ भैया, मुझे भी लगता है, चलिए भैया इसके पीछे। ओए ये भी नहीं लग रहा मुन्ना असली, मैं जान गया हूँ। ओए इसकी तो अब हेल्थ भी नहीं आ रही। हे भैया, वो गया तो गया कहाँ। ओए मैं भी तो वही ढूंढ रहा हूँ, ओए कहाँ चला गया।
यही है क्या मुन्ना? हे भैया, यहाँ तो बहुत सारे घूम रहे हैं, हम किसे बता सकते हैं कौन है? ओए मुन्ना, मैं तो बोल रहा था, ओए आ जाओ ना मुन्नो, कैसा लग रहा है? ओए सभी मरोगे, कोई ओए ये मुन्ना बिजली कड़की। हाँ भैया, वो आसी पास है कहीं पर। ओए लेकिन उसकी हेल्थ क्यों नहीं आ रही? और ये वेदर स्केलेटन यहाँ क्या कर रहा है? निकल लेना मुडे। ओए इतने सारे क्लोन्स इसने बना दिए हैं कि हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ भैया, भैया वो रहा सामने, वो देखे भैया उड़ रहा है। ओए पता चल गया मुन्ना, अब रुक जा, इसकी बैंड बजाता हूँ। ओए आजा नमूने, बहुत हो गया तेरा, पहले इनको संभालता हूँ फिर देखता हूँ तुझे। हे भैया चलिए ना, उसकी बैंड बजाते हैं। ओ तो चल मुन्ना, आज इसकी बैंड बजा ही देते हैं और ले लेते हैं पूरा बदला। ओए चलिए भैया। ओए मुन्ना वो रहा सामने। हाँ भैया मार गया, चलिए भैया कर दीजिए हमला। ओए ये कहाँ से आ गया? ओए ये ऊपर उड़ गया मुन्ना। हाँ भैया फिर से ऊपर उड़ गया है, नीचे आओ ना। ओए मुन्ना वो तेरे कहने से नीचे कैसे आ जाएगा? ओए हे भैया फिर भी ट्राई कर रहा था। हे भैया ये तो मार दिया फिर से। ओए क्या रुकेगा क्या? तेरे बात करने के चक्कर में मार दिया। हे भैया फिर से मार दिया। भैया मुझे तो अब कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि भैया इसके पास एडवांटेज है तो हम लोग कैसे जीत सकते हैं? ओए मुन्ना अब तो टेंशन ना ले, अब तेरे भैया को बस थोड़ा दिमाग चलाने दे। हे भैया क्या दिमाग चलाएंगे, उतनी देर से मार रहा है ये हमें। और रुक जा फिर से। ओए ये कहाँ से आ गया? ओए नमूने तू कहाँ, अभी बचा था क्या? सबको तो फिनिश कर दिया था अभी। है भैया ये लग रहा है बचा था। और रुक जा, अभी तोड़ता फोड़ता हूँ इसे। ओए निकल ले। ओए मर क्यों नहीं रहा ये? हे भैया चेस्ट क्यों खोल रहे हैं? ओए तुझे चेस्ट की लगी है, ये मर नहीं रहा, रुक जाइए भैया। हे नहीं छोड़ूंगा। निकल ले। ओए ये ऐसे नहीं मारेगा, अब मारेगा। ओए निकल ले नमूने, मर गया मुन्ना। हे भैया इनके पास तो कुछ ज्यादा ही हेल्थ है। बल्कि भैया ये तो क्लोन है, फिर भी भैया इतनी हेल्थ लेकर आ रहे हैं। और रुक जा फिर से आर्मर पहनता हूँ। अबे मुन्ना शुक्र मना कि ये मशीन नहीं टूटी। हाँ भैया यही सबसे बड़ी बात है, अगर भैया ये मशीन टूट जाती तो भैया हम लोग के पास कोई एडवांटेज नहीं रहता। चलिए भैया आज इसको हराना है तो हराना है, चाहे भैया हम लोग की जान फिर से भले ना चली जाए। ओए चल ठीक है मुन्ना, अब तो इसे छोड़ूंगा नहीं, रुक जा। ओए तू कहाँ से आ गया? तू छूते ही मर जाएगा मुझे। ओए बस मुन्ना, अब उस नमूने का ढूंढो जहाँ उड़ रहा था, लेकिन भैया वो फिर से उड़ के मार देगा। ओए मुन्ना इस बार नहीं मारेगा, रुक जा। ओए पता नहीं कहाँ से अभी भी जिंदा है, सबको फिनिश करके आया हूँ। ये रहा, रुक जा। हे भैया ये नहीं है, वो उधर ही है। ओए रुक जा, अभी ढूंढता हूँ। ओए कहाँ चले गए नमूने? हे भैया कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था। ओए ओए यहीं पर है क्या? हे भैया वो रहा सामने। ओए कहाँ सामने? वो देखे भैया बिजली कड़काई उसने। ओए बिजली कड़काई लेकिन है। ओए भैया ये तो यहीं पर था। हाँ भैया मारिए से। ओए नीचे आ जा फिर बताता हूँ तुझे। एक मुन्ना स्वाटी से हिट लग जाए या मर जाए। हाँ भैया लेकिन ये हिट लगने देगा तभी ना। ये देखे भैया फिर से गोले फेंक दिया। और रुक जा यहीं पर रहने दे। ओए हमें देख रहा है वहाँ से। हाँ भैया देख तो रहा है लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं पाएगा। अगर भैया, क्योंकि वो जानता है ना, अगर वो इधर आ गया तो भैया वो तो मर ही जाएगा ना। ओए मुन्ना मैं बस एक हिट का इंतजार कर रहा हूँ। हे भैया शायद वो एक हिट से ना मरा तो क्या कर लेंगे उसका। ओए ये भी बात सही है, अभी तो हम लोग का आर्मर वैसे उसके सामने काम नहीं किया, पता नहीं मुन्ना स्वॉर्ड काम करती है कि भी नहीं। हाँ भैया मैं भी यही सोच रहा हूँ। हे भैया इलाइटा ढूंढिए, यहाँ से उड़ चलते हैं ना। ओए मुन्ना उड़ूंगा तो मैं नहीं, रुक जा, आज इसे मार कर ही जाऊंगा। लेकिन भैया मुझे लग रहा है वो भाग गया क्या? इधर भैया दिखाई नहीं दे रहा। ओए अब भाग कैसे सकता है? ओए सामने आ जा फिर बताता हूँ इसे। हे भैया कहाँ चला गया वो? पता नहीं भैया, ये नमूना इधर उधर पता नहीं, अचानक से भैया डरवा देगा और भैया फिर से मार देगा हम लोग को। ओए मुन्ना तू रुक जा, इस बार ये बचेगा नहीं, कहाँ चला गया? ढूंढ मुन्ना उसे जल्दी। हाँ भैया चलिए ढूंढता हूँ और क्या। हे भैया मुझे लग रहा है वो मर गया। ओए वो मर कैसे सकता है, तू पगला गया क्या? हे भैया मैं ऐसे ही बोल रहा था। ओए ऐसे ही नहीं बोलता, मैं इसको दोबारा स्पॉन करूंगा, रुक जा अभी बताता हूँ। ये जैक के 2.5 किलो के यहाँ से कैसे बचकर जा सकता है और चला कहाँ गया ये? हे भैया मैं क्या जानू वो कहाँ चला गया। मैं भैया उसके पीछे पीछे थोड़ी था, मैं तो भैया आप ही के साथ था ना। ओए चल कोई बात नहीं, आज मैं इसे दोबारा स्पॉन करूंगा, आज ये बचेगा नहीं, रुक जा। हे भैया कहीं दो दो एक साथ ना आ जाए, तब तो भैया एकदम से बैंड बच जाएगी। ओए आज जाने दे मुन्ना, आज मेरा दिमाग एकदम गर्म हो चुका है। ओए ये कहाँ गिर गए? हे भैया गड्ढे में गिर गए और कहाँ? ओए रुक जा, आज इसके और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता मुन्ना, आज ये बचेगा नहीं। ये क्या इधर भी नहीं है? चलिए भैया जो भी करना हो जल्दी करिए, और क्या एक बार फिर से मर जाएंगे।
ओए मुन्ना इस बार तेरा भैया इसे तोड़ेगा देख लेना। ए भैया स्पॉन हो गया। ओए कहाँ जा रहा है, रुक जा नमूने सामने तो आ जा। ए ये भैया टीएनडी फोड़ दिया, वो ना भैया सामने, यही मौका है, मारिए भैया उसे। ये क्या लगी नहीं रही। हे भैया उसकी हेल्थ चली गई क्या? ओए हेल्थ तो चली गई मुन्ना, और ये शांत भी हो गया। ओए शॉट लगी मुन्ना इसे। हाँ भैया ये इसका क्या हो गया, ये तो भैया, भैया ये क्या, ये फट गया। ओए मुन्ना देखा, मार दिया मैंने। हे भैया आप ही की शॉट लगी है क्या? ओए मुन्ना तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। हे भैया चलिए ठीक है, भैया बल्ले बल्ले सावा सावा। ओए मुन्ना भंगड़ा पाले नच बालिए। ओए रुक जा मुन्ना, आज तो मेरा दिमाग एकदम आउट हो गया था, दोबारा इसे स्पॉन करूंगा। हे भैया कैसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं भैया कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं, एक बार मारना भैया उसे मुश्किल हो गया था। ओए इसे दोबारा तोड़ूंगा। हे भैया नहीं तोड़ पाएंगे। ओए अगर तोड़ दिया तो सभी लोग लाइक करेंगे। हे भैया कैसी मांग रख रहे हैं। देखिए भैया दोबारा स्पॉन हो गया, ये रानी चले और रुक जा। ओए फास्ट हो, नहीं छोड़ूंगा ये ले। ओए लग जाना। ओए ये क्या लग गया, ओए ये तो बता दिया इसने मुझे तो। हे भैया पानी में चलिए, क्योंकि भैया पानी में किसी भी बॉम्ब का असर नहीं होगा। ओए आ गया। ओए मुन्ना उस बार तो शॉट लग गई थी। हे भैया कहीं कहीं गलती से लग जाती है ना। ओए मुन्ना गलती से नहीं, आज तोड़ेगा तो इसे जैक ही तोड़ेगा। और ये तलवार मुन्ना मैं समझ चुका हूँ, बहुत कमाल की लग रही है मुझे। चलिए भैया देखते हैं। हे भैया वो रहा सामने, अभी पानी के नीचे रहिए। चलिए भैया थोड़ा सा पीछे से चलते हैं और इसे मार। ए भैया ये कैसे देख लिया। ओए अब बहुत हो गया तेरा, निकल लेना मुन्ने, ये देख मुन्ना अब तो गई ना इसकी हेल्थ। हाँ भैया फिर से मार दिया आपने। ए भैया फिर से कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाली हो गया भैया। ओए बल्ले बल्ले सावा सावा, और भंगड़ा भी पाले और नच बलिए। ओए इसी बात पर आप तो एक लाइक बनता है ना। हे भैया आपने तो दो दो बार मार दिया। ओए मुन्ना मैंने बोला था ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ भैया फाइनली जाकर हम लोगों ने एंटिटी 303 को आखिरकार भैया मार ही दिया। ओए मुन्ना हीरो ब्राइन को भी तोड़ूंगा। हे भैया ये ज़्यादा हो गया। तो हे गाइस वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा ना। क्योंकि गाइस आप लाइक करते हैं तो इससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और गाइस एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक लेगा स्टार्ट है, बाय बाय गुड बाय। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। ओए ओए टाटा बाय बाय।